देखो ऐसा है, कम से कम एज बच्चे की 10 साल होनी चाहिए, क्योंकि 10 साल से कम एज का जो बच्चा यदि जोर करेगा तो उसकी जो हड्डी होती है वो कमजोर होती है। 10 साल से हड्डी का पकना शुरू हो जाता है और 10 साल की एज के बाद में यदि हम उसको जोरों में उतारेंगे तो वो सक्सेस हो जाएगा। अन्यथा क्या है कि नाजुक अंग होता है, नाजुक अंग में कभी कोई डेंटिंग आ गई तो आगे चल के बच्चे को भविष्य में बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं। जैसे कि भर्ती में हाथ टेढ़ा हो गया, वो भर्ती में करने गया उसको फेल कर दिया मेडिकल में, पैर में चोट लग गई उसको पैर से मेडिकल में फेल कर दिया, मान लो एक उंगली टूट गई टेढ़ी होगी, जैसे कि देखो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरी उंगली टेढ़ी है, ये अगर इस समय अगर ये उंगली नौकरी लगने से पहले अगर टूट गया है तो मेडिकल में से टूटा हुआ दिखाकर बच्चे को अनफिट करके और भगा देती है। इसलिए छोटे बच्चे को थोड़ा सा अच्छा जब हो जाता है तब ये चीज कराई जाती है, क्योंकि जोर एक बहुत हार्ड गेम है। अच्छा, उसके अलावा सुबह दोपहर शाम समय कौन सा उचित रहेगा? देखो गर्मी का सीजन है तो मॉर्निंग में जोर करना अच्छा रहता है, और सर्दी है तो हम शाम को 2:30 बजे 3 बजे जोर करवाते हैं। वैसे अगर आपके पास में अवेलेबल है सुविधा, जैसे हॉल एसी हॉल है तो सुबह भी करा दो, सर्दी में कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इतना ब्रज के अंदर में पहलवानी का चलन बहुत है लेकिन सुविधाओं का अभाव बहुत है। अब जैसे मेरा अखाड़ा है, आप लगा लीजिए, इस अखाड़े पर किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद नहीं है, ना ही किसी बड़े आदमी की, ना ही किसी सरकार की और ना ही किसी शौकीन की। अब मेरे पास जितना है उतने हिसाब से मैं चलाता हूँ, तो मैं अपना समय को देखते हुए, मौसम को देखते हुए टाइमिंग चेंज करता रहता हूँ, इसी प्रकार से अकाडमी को चलाता हूँ। और मेरे सहपाठी है, सभी का सहयोग है। लेकिन भाई देखो, कोई भी पहलवान हो, इस पहलवानी में जब कुछ इनकम नहीं है तो आर्थिक सहयोग तो कोई भी नहीं कर सकता है। शारीरिक सहयोग मुझे एक नहीं अनेकों पहलवानों से मुझे प्राप्त है और अनेकों मेरे साथी उनसे मुझे प्राप्त हो रहा है, लेकिन आर्थिक सहयोग की बात जब करें, स्टॉप, आर्थिक सहयोग की जब बात आती है तो अक्सर कर लोग पीछे हट जाते हैं।